आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स को, तो सपोर्ट कीजिए इंडियन ब्रांड्स को, फिर चाहे वो इंडियन कार्स हो या इंडियन यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हैं कारखाना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड और जरूरतों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी लगातार काम कर रही हैं। ऐसे में दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मेगा स्कीम लेकर आई है, जहां ई व्हीकल्स को खरीदने पर आपको राज्य सरकार की तरफ से छूट दी जाएगी। दरअसल राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पॉलिसी को लाने के पीछे सरकार का मकसद प्रदूषण को रोकना और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाना है। आपको बता देते हैं अब इस स्लैब के बारे में कि स्लैब कैसे रहने वाला है। तो टू व्हीलर्स पर आपको 30,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, वहीं पैसेंजर गाड़ियों पर आपको 1.5 यानी कि 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। ऑटो रिक्शा पर 30,000 रुपये तक की छूट है, वहीं ई रिक्शा पर भी 30,000 रुपये की छूट है। और अगर आप कोई कमर्शियल कार खरीदते हैं तो भी आपको 30,000 रुपये की छूट मिलेगी। दिल्ली गवर्नमेंट के इस नए इलेक्ट्रिक पॉलिसी में स्क्रैपिंग इंसेंटिव का भी प्रावधान है। इसके तहत अगर आप घर में पुरानी गाड़ियां जो कि पेट्रोल या डीजल कोई भी हो सकती हैं, तो अगर इसमें आप एक्सचेंज करते हैं और कोई नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो सरकार की तरफ से आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें एक तरह से आपको बोनस भी मिलेगा। वो क्या है? वो ये है कि सभी नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रोड टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलेगी, यानी कि कोई रोड टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। और नई पॉलिसी के तहत कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने पर सरकार लोन पर ब्याज में छूट भी देगी। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए दिल्ली गवर्नमेंट बड़ा चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क बनाएगी। इसके तहत एक साल के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन और तैयार करने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसमें हर 3 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्लान है। अब ये स्टेप लेने की ज़रूरत तो बहुत है और हर राज्य को है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि जब आप किसी को नई गाड़ी यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के लिए उसको आप प्रेरित करते हैं, खुद आप लेते हैं, अगर आप डीजल और पेट्रोल को अब छोड़ते हैं, धीरे धीरे मूव होते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ, तो हर साल होने वाले जो पोल्यूशन की वजह से हम सबको दिक्कत होती है उससे हमें निजात मिलेगी, यानी कि हमारा जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी शुद्ध रहेगा। और आने वाले टाइम में तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही फ्यूचर हैं, तो क्यों ना हम अभी से ही इस पे मूव हो ताकि हमारे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा हो और दिल्ली गवर्नमेंट की वजह से हम दिल्ली वालों की जेब को भी फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, दिल्ली गवर्नमेंट का ये प्लान आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हुई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो यार एक लाइक तो बनता है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऑटोमोबाइल जगत की सारी न्यूज़ अपडेट्स।